वेलकम बैक टू अवर चैनल दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अमर है। तो दोस्तों, शूट आउट एडवाडाला मूवी कंप्लीट हो गई, अब है चालबाज मूवी का नंबर। देखते हैं चालबाज कैसी है। यह कहानी है दो लड़कियों की, अंजू और मंजू, जो पैदा तो हुई इस आलीशान हवेली में, मगर जिनकी किस्मत में हवेली के ऐशो आराम नहीं लिखे थे। मंजू जब 6 महीने की थी तो उसकी आया उसे लेकर भाग गई। कहते हैं आया की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। मालिक मालिक, बेटी के गम में मां बाप इतने बदहवास हो गए कि हवेली का कामकाज और कारोबार देखने के लिए गांव से बुलाया गया छोटे भाई त्रिभुवन को। त्रिभुवन के आते ही हवेली की दीवारों पर साजिश की परछाइयां मंडराने लगी, क्योंकि उसकी नजर थी अपने भाई की बेशुमार दौलत पर। अंजू जब 10 बरस की थी तब उसके मां बाप एक कार एक्सीडेंट में चल बसे, मगर लोग कहते हैं कि कार एक्सीडेंट हुआ नहीं था, करवाया गया था, हालांकि कुछ साबित नहीं हो सका। त्रिभुवन की पत्नी की मौत के बाद गांव से त्रिभुवन के बेटे को छोड़ने आई त्रिभुवन की साली अंबा। अंबा आई तो सही, लेकिन वापस नहीं गई। लोग कहते हैं त्रिभुवन और अंबा का कुछ चक्कर था। एक दिन त्रिभुवन ने अंजू को भी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन होशियार अंबा ने उसे रोक दिया, क्योंकि अंजू के मरते ही सारी जायदाद ट्रस्ट को चली जाती। त्रिभुवन खून के खूंट पीकर रह गया और उसे एक एक खून की कीमत चुकाती रही बेचारी अंजू। इतनी देर क्यों हो गई? आज इसके माँ बाप की बरसी है ना, चेसने बहा रही थी। बरसी? आज मेरे भैया भाभी की बरसी है और मुझे किसी ने याद तक नहीं दिलाया? ये तो सरासर नमक हरामी है कि जिस भाई ने मुझे बेटे की तरह पाल पोस कर इतना बड़ा किया, मैं उसकी बरसी भूल गया। मैं तो माफी के काबिल भी नहीं, मुझे मेरे गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। बोलो अंजू बेटी, मेरी क्या सजा है? कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी, सजा किस लिए? मैं तो रो रही थी अपनी मजबूरी। मजबूरी? किसने मजबूर किया तुमको? अम्मा, तुमने मेरी बेटी को मजबूर किया? मैं भला ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकती हूँ? मैं इस घर में मेहमान हूँ, अंजू इस घर की मालकिन है। बिल्कुल, और आज मालकिन जो चाहेगी वही होगा। बोलो अंजू बेटी, तुम्हारी क्या मर्जी है? हा? बोलो बेटी, बोलो क्या मर्जी है तुम्हारी? मैं चाहती हूँ आज मंदिर जाकर माँ और पौशी की याद में 5 रुपए के फूल चढ़ाऊंगी। सिर्फ 5 रुपए के फूल? मेरे महान भैया भाभी की याद में सिर्फ 5 रुपए के फूल चढ़ाओगी? हरगिज़ नहीं, फूल बाजार से सारे फूल खरीद लिए जाएंगे और इस शहर के तमाम अनाथालयों में मेरी अंजू बेटी आज अपनी स्वर्गीय माँ बाप की याद में अपने हाथ से बच्चों में कपड़े और मिठाइयाँ बांटेगी। सच? हाँ बेटी सच। मगर इतने पैसे कहाँ? खबरदार जो पैसों की बात की। ये लो अंजू बेटी, और ये पैसे रखो, फूल चढ़ाओ, मिठाइयाँ बांटो। रख लो रख लो बेटी, फूल चढ़ाना, मिठाइयाँ भी बांटना। लो लो। तुमने क्या सोचा मैं तुमको 5 रुपए दे दूंगा? अरे पागल हो गई है, मुर्दों के लिए सिर्फ आंसू बहाए जाते हैं जो तुमने बहा दिए। तो बहुत देर हो रही है, वक्त पर बात मत करो, चलो मेरे साथ बैंक चलो जी। चलो चलो, अब बैंक में टेस्ट में बहाने मत शुरू कर देना, तंग आ गया तुमसे और तुम्हारे टेस्टों से। भाई सुन, ये रख ले, जा जा। अंजू जी, ये रहे आपके पैसे, रख लीजिए। लाइए, मैं रख लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। क्या है मातृभाषा का जमाना बड़ा खराब है जी, छोटी से छोटी रकम भी साथ में लेकर चलने में परेशानी होती है। वैसे थैंक यू वेरी मच, हम जल्दी में चलते हैं।
त्रिभुवन जी इतनी भी क्या जल्दी कि आप हमारे साथ एक कप चाय तक नहीं पी सकते हैं? माथुर साहब, क्या है कि आज मेरे भाई और भाभी की बरसी है और भी बहुत सारे काम हैं। अंजू बेटी को मिठाई और कपड़े वगैरह बांटते हैं, चाय फिर कभी पी लेंगे, अभी चलते हैं। त्रिभुवन जी आप कुछ भूल रहे हैं। जी नहीं, पैसे तो मैंने रख लिए। जी नहीं, अंजू जी दस्तखत करना भूल गई है। अच्छा अच्छा पाजर पे कहां से आए? किसने दिए पाजर पे? फोन करने के लिए दयाल, इधर आ, इधर आ भाई। जी मैं इधर आ। दयाल मेरे जूते उतारो। अच्छा जी। इस खानदान की सेवा करने में तुम्हारी उंगलियां बहुत बूढ़ी हो गई हैं दयाल, है ना? मुझे इसका फकर है मालिक। हाँ, दो वक्त की रोटी और मामूली सी तनख्वाह पाने के लिए आजकल कौन ये सब करता है। मैं तो आपके हुक्म का गुलाम हूँ मालिक। तो मेरे हुक्म के खिलाफ तुमने अंजू को रुपए क्यों दिए? चाहिए दादू को मत मारो, दादू को मत मारो। बोल, बरसी मनानी है? दादू ने 5 रुपए क्या? दादू ने 5 रुपए तो दिए। मुझे क्या जवाब देती है? मेरा हुक्म मानना दयाल। पकड़ 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 इसे पकड़। मना बरसी। पागल हो गई हो क्या? अगर ये मर गई तो हम रास्ते पे आ जाएंगे। चलो यहाँ से। तुम थोड़ा सब्र नहीं कर सकती है? काम करने से पहले काम बिगाड़ना चाहती हो? तू अभी तक यहाँ खड़ा है, घर का सारा काम पड़ा है, हाथ में जरा सा खून लगा है, मेहंदी नहीं, चल अपना काम कर। दीदी अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मुझे जीना, तेरे लिए जीना है, तेरे सिवा मेरे जीने की कोई मुझे पता नहीं। जब तक हम आए तब तक ये सब साफ हो जाना चाहिए, समझी? नहीं तो पलकों से कचरा उठवाऊंगी और आंसुओं से फर्श धुलवाऊंगी। ये दिन ब दिन मोटी होती जा रही है, इसका एक वक्त का खाना बंद करो। महार जब तक कमाए तब तक साफ आना चाहिए सब्जी। दीदी उसे पाई फाई छोड़ो और जल्दी से उसके दिखाओ प्लीज दीदी। अच्छा दीदी बताओ किसकी नकल उतारो? पापा की नकल उतारो? बहुत मोटी हो गई है, इसका एक वक्त का खाना बंद करो। दीदी मैं शादी करना चाहता हूँ। कमाल है, आपको तो मेरी पर्सनल पे इंटरेस्ट ही नहीं है। पर यार दीदी नहीं सुनती तो तू तो सुन ले। वो क्या है कि मैं शादी कर लूंगा तो दीदी को थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैंने लड़की भी देख रखी है, मेरे क्लास में पढ़ती है, अब तक बेचारी कुंवारी है। उसने दोस्तों मुझे कैटल का स्पेलिंग भी बताया था पर उसकी ना कहती रहती है। अमेज़न दहेज में बोल रही थी बहुत सारे चॉकलेट लाएगी। वैसे तो मैं डाबी में बिलीव नहीं करता मगर चॉकलेट का मामला है। दीदी तुम उसके घर के लोगों से बात करो ना। अगर बस कर दीदी एक बात कहूँ? हाँ। बहुत दिनों से तुम्हें नाचते हुए नहीं देखा। नहीं नहीं प्लीज दीदी। तुझे मालूम है ना अगर किसी ने देख लिया तो क्या अंजाम होगा? मुझे नहीं मालूम। तुम्हारे चेहरे पे खुशी तब आती है जब तुम नाचती हो। नहीं
हाँ भाई चालबाज का भाई फर्स्ट पार्ट तो बड़ा ही मतलब ऐसा है कि हमें देखते ही शर्म आ रही है कि इस तरह के लोग भी हैं यार, बेशर्म किस्म के टकलू हराम ही यार। इधर भी एक बार भी देखा था वो हमारा मजनू भाई की मूवी में भी था, वैसे कुबड़ा था वहाँ पे भी जायदाद का इसका चक्कर था, और इधर बीवी एक हरामदादी पाली हुई है जिसके साथ मिलके इतना जुल्म कर रहा है यार। बड़ा यार अजीब लग रहा था यार बेचारी, इसमें बोल भी रहे थे दौलत इसी की है, मर गई तो सारी दौलत ट्रस्ट में जाएगी, तो इस वजह से इसको मार भी नहीं रहे और टॉर्चर कर रहे हैं। ये जुल्म है सरासर यार, बड़े हरामी है। सही बात है यार, मुझे ये बड़ा अफसोस हुआ ऐसी फैमिली देख कर ना भाई, बड़ा दर्द हुआ इस बेचारी पर, तो बड़े अत्याचार कर रहे हैं, बड़े जुल्म कर रहे हैं यार, हद पार भी कर दे। वो कह रहा है कि मोटी हो गई है, इसको खाना भी कम दो एक वक्त का, यार बड़े जालिम जुल्म करते हो, पैसे भी उसके खा रहे हो और जुल्म भी उसके ऊपर कर रहे हो, और ये भी बेचारी शरीफ है इतनी मासूम है, इनको कुछ नहीं कहती, डरा रहे हैं इंजेक्शन लगा रहे हैं भाई। हमें तो बड़ा अफसोस हुआ, ये पहला ही पार्ट इतना अफसोसनाक हुआ है आगे तो। हाँ भाई, इसके ऊपर से इसकी दौलत वो भी टकला, और उसकी जो बीवी वो हराम खोर है भाई, वो भी देखो ना, वो इतनी मोटी है कि उसका खाना बंद कर दे ना चुड़ैल का। इस मासूम बेचारी का क्यों खाना बंद करता, जो 5 रुपये उस बेचारे ने दिए फूल चढ़ाने के लिए, वो भी साला उसके भी हाथ पर पाँव रखा, तुम मेरा नमक हराम ऐसा नहीं करो नमक हलाल, भाई ये कौन सा है तुम। तो टकला तो बड़ा हरामी है, बेचारी लड़की को बड़ा यार जुल्म कर रहा है, उसकी जायदाद है उसको भाई, उसको वारस है वो, तो भाई लड़की तो भाई उसको छोटू भाई खुश कर रहा है, छोटू बोल रहा है मजाक कर रहा है खुश कर रहा है, बस ये तो जालिम है दोनों भाई, ये तो बड़े हरामी निकले।